आओ सर को जाऊं। नहाया था तुम? नहाया था तुम्हें आशन ने? नहीं, कितनी मासूम जानवर है हमारा, फौरन बुलाने पे आया था। बैठ जाओ, बैठना है, बैठ जाओ। बस अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हमें आज मिलना है, बहुत दो तीन दिन हो गए, ज़्यादा नहीं हुए, तो ये भी बहुत याद कर रही थी। अभी आपने देखा जैसे ये इनको बुलाया, फ़ौरन आ गई, पहले बैठी हुई थी, फिर देख के ही उठी, इन्होंने पोटी वगैरह करी और फिर मैंने बोला सर मुँह कर क्या हो खुजाऊँ सर, तो ये ऐसे आ गए। ये देखो कुछ बोलना, छपा मासूम जानवर देखा होगा अपने, इतना मासूम चुन चुन छोटा सा पाला सा। ऊपर करो सर, ऊपर करो सर, ऊपर करो। भाई हाँ, आप लोग को अपडेट भी देनी थी, जो वो जो जिस पे एसिड अटैक हुआ था, जो गाय थी, तो मतलब वहाँ पे जो ना कज़न रहते हैं मेरे, तो मैंने उनसे बोला कि जो ना पता करके बताओ कि तब कैसी है वो गाय। आप तो बताया कि माशाल्लाह से बेहतर है और रिकवर हो रही है, रिकवर हो रही है, तो और वो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, अल्लाह के हिफ्ज़ मान में है वो। तो आप लोग भी जो जो देखें, आप लोग भी परेशान मत हों, वो माशाल्लाह से रिकवर हो रही है, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल करे। बहुत से लोगों ने दुआएं करी इस जानवर के लिए माशाल्लाह से, लेकिन ज़्यादा बेजुबान है, तो अल्लाह तो उसका ख़ास ख्याल रखेंगे ना, तो मतलब माशाल्लाह से अब वो बेहतर है और रिकवर हो गया, 70-80% रिकवर हो गया। अगर इसमें बाकी मौसम भी ऐसा बारिश वाला हो रहा है ना, तो अगर मेरे हो सका, क्योंकि है भी बहुत दूर, हो सका अगर मैं जाके वहाँ पर वीडियो बना ली मैंने, फिर उस तक अपडेट करना हो तो कर दूँगा, लेकिन वैसे गुड न्यूज़ है कि माशाल्लाह से जानवर बेहतर है, कोई इसमें ख़तरे वाली बात नहीं है, है ना? बता दो लोगों को, सब कुछ सही है, तुम्हारा दोस्त भी सही है, बेहतर है, बताओ सही है ना? डन डन, तो सही है, जानवर भी माशाल्लाह से सही है, वहाँ पर दुआओं में रखें। और मैं तो कह रहा हूँ उस आदमी को भी बददुआ देने का फ़ायदा नहीं है, बस यही दुआ कि अल्लाह से हिदायत दे और ऐसा वो आइंदा कभी भी ना करे। और मेरी भी भाई से ये दरख्वास्त होगी कि आप आके जानवर से भी माफ़ी मांगो, वो जवाब दे ना दे वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और जो उनके ऑनर हैं उनसे आप माफ़ी मांगो, क्योंकि ये बहुत आपने जो ये काम किया है, ये दुनिया में या कभी भी ज़िंदगी में कभी किसी ने इस तरह का काम नहीं किया होगा। अगर आपकी दुश्मनी के इंसान से है तो इन प्यारे प्यारे से जानवरों का क्या लेना देना है इसमें, तो बस यही है कि आप उनसे माफ़ी मांगो, बाकी माफ़ करने वाला अल्लाह ताला है, और अल्लाह से तौबा करो, आइंदा आप ऐसा कभी भी किसी ना इंसान के साथ ऐसा करो, और जानवर तो बहुत दूर की बात है, अब इंसान के साथ भी कभी ऐसा ना करो, इन लोगों को कुछ नहीं लेना देना होता। वैसे ये लोग अल्लाह के आगे कुर्बान होने के लिए ही आते हैं, इस तरह तकलीफ़ दे के, तकलीफ़ देना हमारे नबी ने भी मना किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मना किया कि कुर्बान ज़िबा करते हुए भी जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, तो फिर ज़िंदा ज़िंदा रहते हुए इस तरह तेज़ाब फेंकना, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, ये ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अब ये कि अल्लाह से तौबा करें, और आप लोग जिन जिन्होंने दुआओं में याद रखा जानवर को, उनके घर वालों को, बस इतना दुआओं में याद रखें कि अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करे, क्योंकि अब देखें वैसे भी उनका तो कुछ लेना देना था नहीं, ना वो मंडी से ऐसा ज़ख्मी लेकर आए, ना उन्होंने खुद से कुछ किया, वो तो उस आदमी ने ऐसा किया ना, तो उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं, तो उनकी कुर्बानी तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। बाकी आप लोग दुआओं में रखें। तुम्हें कुछ कहना है?
हाँ मैं को जाऊँ, हाँ मैं को जाऊँ, तमाशूम चे जान वाले तमाशूम चे, चलो 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 चले। हम तो उनसे बात कर रहे थे, ये तो पता नहीं जवाब दे भी रही होंगे, मैं पता नहीं चल रहा। हम एंड करते हैं ब्लॉग आज का यहीं पे, और उम्मीद है आप लोग को मेरा मैसेज मिल गया होगा, और मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो भी इन्हीं खूबसूरती के साथ है हमारी, और मेरी ये वाली वीडियो भी देखिएगा, वो जो एसिड अटैक हुआ था गाय पे, अब तो सही है माशाल्लाह से। अब दुआ में याद रखिएगा उन लोगों को भी, मुझे भी, और आपस के लोगों को भी। और अगर आप लोग पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और क्या कहते हैं, बस एंड करते हैं ब्लॉग आज का यहीं पर। टिल देन टेक केयर।